8 फरवरी फैसले का दिन है। इस तू लोगों हूँ सोचना चाहिए कि असी वोट किनू देना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं थोड़ा मेजबान अनीस काजी। जनाब साढ़े नाल मौजूद ने जो किसी तरफ के मुहताज नहीं, मलक ज़ियाफ़त अली अवान, सियालकोट की सियासत का बहुत बड़ा नाम, PP44 सियालकोट के कैंडिडेट ने, उम्मीदवार ने, आजाद उम्मीदवार। अज साढ़े सवाल मलक ज़ियाफ़त अली अवान साहब नाल होंगे। मलक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलक साहब कोई शक नहीं, गरीब लोगों की हमदर्दी सिर्फ मलक ज़ियाफ़त अली अवान के दिल में, और हल्के की आवाम, हल्के की आवाज, हल्के दे विच असीं फिरदे आ। हर बंदा चाहे उहदा तल्लक किसी भी पार्टी नाल, हर बंदा मनदा है तुहाडे करदार च कोई उंगली नहीं उठाता, हर बंदा उही गल कहिंदा कि नाइस और शरीफ आदमी। तुसीं सियासत दा आगाज चेयरमैन तों शुरू कीता, डिस्ट्रिक्ट दे वाइस चेयरमैन वी रहे, यकदम सारा कुछ छड्ड छडा के MPA दा इलैक्शन लड़ना की वजह जी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं बेहद मशकूर हाँ जनाब, बहुत शुक्रिया सर। मैं PP44 तो इलैक्शन लड़ रहा, और अल्लाह के फजलो करम नाल मैं सही मायने च लोगों की नुमाइंदगी करना चाहना जी। इस तू पहले मैं चेयरमैन यूनियन कौंसल रहा, डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन रहा, और मैं अल्लाह का फजल है कि मैं बेशुमार लोगों की खिदमात की ने जी। कोई शक नहीं, हूँ भी मेरे अंदर एक जज्बा है कि मैं लोगों की खिदमत कर सकता। मनु कोई लालच नहीं कोई नाम दा कि मैं अपना नाम बनावा, सिर्फ एक ही मकसद है मेरी सियासत दा, खिदमत दी सियासत, आम बंदे दी सियासत, आम बंदे नूं रिलीफ मिले। हलका PP44 सियालकोट, हुण ते इलैक्शन वी इक आजाद है, दूसरियां पार्टियां वी काफ़ी ज़्यादा, पाकिस्तान दीआं वड्डीआं पार्टियां वी आजाद इलैक्शन लड़दे पई। अगर मैं ज़हन दे विच रखां गल 2018 दी, सियालकोट PP44 दे विच एक आजाद उम्मीदवार का MPA बन जाना तो मोदी से तू घट नहीं है, किस तरह तुम फैसला किया कि पार्टी को पिछे करके एक आजाद हैसीयत नाल इलैक्शन लड़ना? देखो जी, जिहड़े लोग मेरे मुकाबले ते ने वह पिछले 20 साल तो इकतदार च ने, 20 साल तो, और उन्हां दा तुसी हाल देख लो जी, कि लोग उन्होंने बिठाने वास्ते तैयार नहीं। उन्हां दी कंपेन दा आलम है कि वह 1-to-1 कंपेन नहीं कर सकते, और अल्लाह का फजलो करम है कि मैं लोगों ने प्यार दिता है, लोगों नाल लोगों के मसाइल हल किए ने, लोगों के काम आया वा, जिहड़े गरीब लोग ने उन्हां दी हिदमत उन्हां दे दरवाजे ते जाके कीती है। उहदी वजह ही है वे कि अल्लाह दे फजल नाल आजाद इलैक्शन लड़ना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी, मुश्किल है, लेकिन जिन्ना लोग मेरे नाल कोऑपरेट कर रहे ने जी, अल्लाह दा फजल है कि मैं इंशाल्लाह भारी अक्सरीयत नाल हलका PP44 चो कामयाब होवांगा। और इन्हां लोगों ने किया कुछ नहीं हल्के वास्ते, हल्के दे मसाइल हल नहीं कीते, जिस मकसद लई इन्हां नूं वोट दित्ता है वो मकसद पूरा नहीं होया। तुहाडी जिहड़ी सियासत दा आगाज़ है वो मुस्लिम लीग नूं, तुसीं लोगों के ज़हन दे विच इक सवाल है, तुसीं जित्तण तों बाद क्या फिर मुस्लिम लीग नूं ज्वाइन करो? इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने मैनूं इज्जत नाल नवाजिया तो मैं जिहड़ी भी लोगों का फैसला होएगा उही मेरा फैसला होएगा, अल्लाह के फजलो करम नाल जो लोगों की राय होएगी, लोगों का जिहड़ा फैसला होएगा उही मेरा फैसला होएगा, और अवामी नुमाइंदे का फैसला भी आवाम ही कर दी है। मैं तुहानू पहले ही आख्या सियासत तों हट के मैं अपने अगर हल्के की गल करा, अपनी जाति गल करा, मेरे दिल के अंदर जिहड़ा तुहाडा इहतराम है ना बहुत ज्यादा। मैं हल्के दे विच फिरना, तुहाडी सूरत हाल भी देखना, तुहाडे काम भी देखना, काफ़ी अरसे तो तुहानू मैं जानना, आवाम की खिदमत, लोगों ने पैसे लाए होने तुसीं राशन वगैरह, उस चीज़ का क्या सियासत नाल भी कोई तलक है? जी, उहदा सियासत नाल कोई तलक नहीं, वह मैं पिछले 15-20 साल तो इरफाई काम शुरू किए ने, वह सिर्फ अल्लाह की रज़ा वास्ते ने, उहदे विच सियासत का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल उहदा सियासत नाल लेना देना कोई नहीं, वह मैं सिर्फ जिहड़ा अल्लाह की रज़ा वास्ते कर रहा, अल्लाह ताला नूं खुश करन वास्ते कर रहा हाँ, और इंशाअल्लाह ताला जिस टाइम बंदा अल्लाह नूं राज़ी करदा तो अल्लाह ताला जरूर उहनूं इज्जत नाल नवाज़दा। 2018 दा इलैक्शन आजाद, तकरीबन 20-21 हज़ार दे दरम्यान तुहाडे वोट जिहड़े आरओ आफिस लिस्ट लगी, हुण दा इलैक्शन 2018 दा इलैक्शन की देख रहे हो कि हुण तुहाडा रिजल्ट उस मुताबक 5 साल बाद इलैक्शन हो रहा?
कंपेन तुसी जारी रखी है, हल्के दे विच तुसी गए हो जी। अल्लाह का फजलो करम ना, जो मैं पिछला इलेक्शन 2018 वाला लड़िया सी उसी च ते इहदे च बहुत फर्क है जी। तो मैं इंशाल्लाह इलेक्शन हरन तो बाद मैं अपने लोगों के अंदर मैं उन्होंने गमी खुशी जी हर मौके पर मैं पहुंचा वा और उन्होंने जेडे भी जायज काम सन वह भी मैं अल्लाह के फजलो करम नाल हल करन दी कोशिश की है। तो इस सफा इलेक्शन बहुत अच्छा इलेक्शन है अल्लाह के फजलो करम नाल। अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत मालक को ले, मेरा काम में कोशिश करना और मैं अल्लाह के फजलों करम नाल सही कोशिश कर रहा और ये हिदमत का जज्बा लैके इंशाल्लाह ताला ये बेहतर वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला। इस उम्मीद नहीं है कि बेहतर वक्त आएगा इंशाल्लाह। हर पार्टी का कैंडिडेट जाके अपनी पार्टी का मंसूर दस लिया, तुम पिछला इलेक्शन भी आजाद लड़िया हूँ फिर आजाद, तुम की मंसूर दस दे पार्टी का आजाद की मंसूर है वह भी दसो। तो मेरा मंसूर हिदमत ही है जी और जेड़े लोगों के मसाइल ने, साफ पानी लोगों का बहुत बड़ा मसला है, नकासियाबी का बहुत बड़ा मसला है, उस तो अलावा तालीम का मसला है, सेहत का मसला है कि लोगों दवाई नहीं फ्री मिल रही, मुफ्त दवाई नहीं मिल रही, ये सारिया चीज़ों के उत्ते अल्लाह के फजलो करम नाल अल्लाह ताला ने मैं इज्जत दी तो मैं इंशाअल्लाह ताला इन सारिया चीज़ों पर मेरा फोकस है कि लोगों को रिलीफ मिले सही मायने च। असल तो सियासतदान का जरा काम है ना जी, वो तो हिदमत है कि जेड़े भी लोगों के मसाइल ने उन्होंने मसाइल को हल किया जाए। तुम बहुत बड़े अहदे से रहे हो सर, वो भी छड़ के आवाम की खिदमत के जज्बे के मैं समझना कि दुनिया से रहने वास्ते इंसान जिस चीज़ की जरूरत होंगी है अल्लाह ताला का तुहाडे ते बहुत करम है, गड्डियां मकान डेरे हर चीज़, सियासत जरूरी है खिदमत वास्ते जी जरूरी है। वैसे जरूरी भी नहीं, अगर तुम खिदमत करनी है तो तुम कर सकते हो, लेकिन जो इतने मुल्की हालात ने ये लोगों का जायज काम भी नहीं करवा सकते अगर तुम पावर च नहीं दी। मैं इस तू पहले रफाही काम जो करता सा, मैं पिछले 20 साल तू रफाही कामों में हाँ और लोगों के काम आ रहा वा, लेकिन ये इस तू सियासत च आया वा कि अगर पावर होएगी तो मैं लोगों की अच्छे तरीके नाल जड़ी ना हेल्प कर सकता, क्योंकि इतने सिस्टम इंज है कि तुहाडे कोल पावर नहीं होएगी तो तुसे लोगों के जायज काम भी नहीं करवा सकते। अच्छा जनाब, हल्के की आवाम को कुछ पैगाम दोगे? देखो जी, हल्के की आवाम को पैगाम ये देवगा कि 8 फरवरी फैसले का दिन है, असी लोग फैसला करन तो बाद 5 साल साढ़े पछतावे गुजर जाते हैं। तुम देखो इन्हों की जेडे साबक लोग, साबक MP MLA जोड़े इकतदार रहे ने, उन्होंने को सवाल किया जा सकता जनाब तुम क्यों वोट दिता जाए, जो इतने रोडों की हालत है, 3-4 रोड ने इस हल्के अंदर, लेकिन 3-4 रोडों का कोई हाल नहीं है, गली नाली तुम देख लो पिंडा का कोई हाल नहीं, कोई गली नाली तो सही सलामत नहीं नजर आएगी। नकास का जो मसला बहुत बड़ा मसला है, उत्थे कोई मसला लोगों के मसले हल नहीं हो रहे, साफ पानी लोगों की जरूरत है, साफ पानी लोगों नहीं मिल रहा, तो बहुत बड़े मसाइल ने जेड़े हल नहीं हो रहे। इस तू लोगों हूँ सोचना चाहिए कि असी वोट किनू देना है, इन्होंने लोगों ने पिछले 20 साल तो ये लोग इकतदार च ने, लेकिन इन्हों का बिल्कुल लोगों के मसाइल वाल कोई तवज्जो नहीं है और ये लारे ला के इन्होंने लोगों सबज बाग दिखा के हूँ इन्होंने लोगों के कोल आ रहे ने, लेकिन अल्लाह के फजलो करम नाल लोग बाशऊर ने, लोग सही फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंतखाबी निशान की मिले इंतखाबी निशान मेरा हुक्क है और मेरी रिक्वेस्ट है अपने लोगों के अगे कि तुसी हुक्के दे निशान ते मोर लगाओ और मैनू कामयाब करवाओ अल्लाह के फजलो करम नाल। अगर तुसी मैनू अपने कीमती वोट नाल कामयाब करवाया तो मलक ज़ियाफ़त अली अवान अल्लाह के फजलो करम नाल इस हल्के की तकदीर बदल देगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी नाज़रीन, आज की साड़ी गुफ्तगू का उनवान मलक ज़ियाफ़त अली अवान साहब सियालकोट PP44 चो, जनाब जी गुफ्तगू तुहाडे तक पहुंचाइए ते उम्मीद करना कि वीडियो तुहानू पसंद आई होगी, चैनल सबसक्राइब करो सब दोस्त, इंशाअल्लाह नैक्सट वीडियो में मुलाकात होंगी है। अल्लाह हाफिज़।